ईडी को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका मिला है। अब इस नेता पर नहीं होगी कोई भी कार्रवाई। जी हां, मामला बेहद चौंकाने वाला है। ईडी जो आज पूरे देश के जितने भी विपक्षी दल हैं उनके लिए चिंता का, परेशानी का सबब बन गई है। तमाम लोगों पर, बड़े नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। तमाम मुख्यमंत्रियों को पसीने ला दिए हैं, तमाम लोग जेल में पहुंचा दिए हैं। उस ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, एक नेता है उनको लेकर के, और कह दिया है कि इन पर अभी फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। आप लोगों ने देखा कि ईडी किस तरीके से काम करती है, और संदेश खाली की घटना हुई ईडी के साथ में। हालांकि वो घटना का जो कुछ भी हुआ उसका हमने विरोध किया था, हमने बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी लोकतंत्र जिस देश में हो वहां ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए किसी भी एजेंसी के साथ में। तो संदेश खाली में भी आपने देखा कि क्या हुआ ईडी के साथ। इधर आपने देखा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में किस तरीके से धांधली हुई। आप ये भी देख रहे हैं कि 2024 का लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पर है, और उस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा पूरा जोर लगाए है, ईडी चोटी का जोर लगाए हुए है। दिल्ली शराब कांड अरविंद केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ रहा है। दिल्ली शराब कांड में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सांसद संजय सिंह जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में है, और अब अरविंद केजरीवाल को ईडी लगातार समन कर रही है। अरविंद केजरीवाल कई बार सार्वजनिक मंचों से और तमाम मंचों से कह चुके हैं कि ईडी उनको गिरफ्तार करके लोकसभा चुनाव पर उनको प्रचार में जाने से रोकना चाहती है, और भाजपा जीतने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है ईडी का। तो इसी दिल्ली शराब कांड को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। एक बहुत वरिष्ठ नेता पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश जो है ईडी को दिया है। तो क्या है पूरा मामला, शुरू करें, बताऊं आपको विस्तार से। दिल्ली शराब कांड आप सब लोगों को याद होगा। दिल्ली शराब कांड में जो कुछ चल रहा है, इसके बीच बड़ा अपडेट यह है कि ईडी द्वारा दर्ज किए गए मामले में बीआरएस की जो नेता हैं कविता, उनको जो छूट दी गई थी, उनको जो कहेंगे कि सुरक्षा दी गई थी ईडी से बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको 13 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व पंकज मिथल, ये जो दोनों जो जस्टिस हैं, इनकी जो खंडपीठ है उसने आदेश जारी किया है, और उन्होंने ये आदेश जो है पहले भी जारी किया था। उसकी इस वर्तमान के आदेश में उस पहले जो राहत दी, पहले जो छूट दी कविता को, उस आदेश को उन्होंने इस आदेश में बढ़ाया है। ईडी ने 21 फरवरी को समन जारी करके इनको बुलाया था 26 फरवरी को, हालांकि कविता वहां पर पेश नहीं हुई थी। ईडी का आरोप है कि कविता शराब कार्टेल द साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, और इस कंपनी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को रिश्वत बतौर 100 करोड़ रुपए दिए थे, ऐसा ईडी का आरोप है। और इसी चीज को लेकर के तमाम दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो मनीष सिसोदिया, चाहे वो सांसद संजय सिंह हो आपके, और चाहे वो सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हो, तमाम लोग जेल में हैं। तमाम अधिकारी भी इसमें मामले में जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन मिलते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मुझे सरकार जेल भेजना चाहती है। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को जो रोक लगाई है, तो इससे ये देखा जा रहा है कि इस मामले में ईडी की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ती नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही थी उस पर रोक लगाते हुए ये संदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि लोकतंत्र सबसे पहले है, देश में चुनाव का माहौल है, तो आप ऐसे ही किसी को परेशान नहीं कर सकते, आप ऐसे ही किसी को जेल में नहीं रख सकते। हालांकि मनीष सिसोदिया संजय सिंह की बेल में सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि आप ज्यादा दिनों तक किसी को बिना सबूत के जेल में नहीं रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कविता जो है तेलंगाना के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उनकी बेटी है, और शराब कंपनी की ये सह मालकिन बताई जाती है, और 100 करोड़ की रिश्वत जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को जो सरकार से जुड़े हैं उनको देने का आरोप इस शराब कंपनी पर लगा था। और दिल्ली आबकारी नीति कहें, दिल्ली शराब घोटाला कहें, दिल्ली शराब कांड कहें, से संबंधित है। तो फिलहाल जो है इस राहत को बढ़ा दिया है, 13 मार्च तक राहत बढ़ा दी है। 13 मार्च तक ईडी कविता को अब ना तो कोई गिरफ्तार कर पाएगी, ना उन्हें सम्मन भेज पाएगी, ना उनसे पूछताछ कर पाएगी। तो फिलहाल के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो ईडी पर ये सुप्रीम कोर्ट का जो हथौड़ा चला है, ईडी पर सुप्रीम कोर्ट का जो प्रहार है, ईडी कहीं ना कहीं बौखला गई होगी, और ऐसे में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ जो बढ़ता हुआ शिकंजा है वो भी अब ढीला पड़ने लगा है ईडी का इस केस के बाद से, क्योंकि कविता को बहुत महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है शराब कांड की, और ईडी को उम्मीद है कि अगर उनसे पूछताछ होगी, उनको हिरासत में लिया जाएगा, तो और बड़े नामों के खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल ईडी को रोक दिया गया है, और दिल्ली शराब कांड में मैं कहूंगा बहुत बड़ा राहत भरा ये आदेश है कविता के लिए, और दिल्ली शराब कांड में जो इस वक्त तलवार लटक रही है अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके ऊपर, इन दोनों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है इस तरीके का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आना। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और जब तक वो वहां मौजूद हैं तब तक लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश में
कानून सर्वोपरि है, लोकतंत्र सर्वोपरि है, सरकार या कोई भी एजेंसी सर्वोपरि नहीं हो सकती। देश में कानून का राज है और सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने इसको साबित भी किया है। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप लोग हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी दोनों यूट्यूब चैनल पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो शेयर कर सकते हैं। आईडी हमारी आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।